बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। मिसेस अजीम प्रेजेंट्स कुक एंड क्राफ्ट। आज हम बनाने वाले हैं भुना हुआ कीमा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मिसेस अजीम लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। देगची में मैंने ले लिया है ऑयल, इसे गर्म कर लिया है। अब प्याज काट लें स्लाइसिस करके, प्याज के वो हम इस गरम ऑयल में लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज़ों को जस्ट इतना आपने पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी नहीं करना। मैं यहाँ कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कीमे को भी गलाने के लिए मुझे थोड़ी देर इसको प्रेशर देना पड़ेगा। कीमे को हमने ले लिया है, कीमे को धोने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। कीमे को का तरीका यही है कि जब आप कीमा करवाते हैं तो उसको गोश्त को वॉश कर लें पहले। प्याज हमारे लाइट सा कलर इनका चेंज हो चुका है, पिंकिश हो चुका है। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे, साथ ही मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। टमाटर यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक नॉर्मल, क्योंकि जस्ट कलर के लिए, वरना मैं इसमें दही ऐड करने वाली हूँ। लहसुन अदरक ले लूँगी मैं, अदरक को मैंने यहाँ पर बारीक पीस लिया है और लहसुन की जगह मैं साबुत डालूँगी क्योंकि भूनते वो फिर हो जाएगा मिक्सअप। हल्का सा मिक्स कर लें इसको, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर, इसके साथ अच्छा टेस्ट आएगा और अगर कोई कुर्बानी के गोश्त की जैसे कोई स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। और दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, दही मैंने एक कप भर के डाल दिया है। थोड़ा सा उसको मिक्स कर लें, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। दही के पानी में ही ये गलेगा। देखें दही ने पानी छोड़ दिया है बहुत सारा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये इसमें हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा गलने के लिए रख देंगे। मसालों को मिक्स करके प्रेशर दे रही हूँ मैं इसको। देखिए कीमा गल चुका है। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि पानी खुश्क हो जाए और लहसुन के जवे जो हमने साबुत डाले थे वो भी इसमें मिक्सअप हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा हमने इसको 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर कीमे को भून लेना है। अगर पानी मौजूद नहीं है तो आप पानी डालकर भून लें, मतलब थोड़ा सा पानी आपने डालने से उस चींटा मारना है ताकि कीमा जल ना जाए। कीमा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया। मज़ेदार हमारा कीमा, भुना हुआ कीमा तैयार है। इसे गर्म गर्म नान या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा करेगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।